हाँ मैं फाइल चेक कर लेता हूँ, सिर्फ डेट चेंज है। ओके सही है। ओके ओके ओके। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं ऑफिस में। और रिश्मा वो कहाँ है? घर पे ही होगी। वाकई घर पे होगी? मतलब? मेरा मतलब है कि आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, आपको क्या पता कि वो घर में है या नहीं? वो जहाँ जाती है मुझे बताकर जाती है। मैं तो बस एक बात कर रही हूँ। अजीब बात कर रही थी? अजीब नहीं है ये, दुनिया कहती है कि नजर रखनी पड़ती है बीवी पर भी, खासतौर तब जब बीवी बड़े घर से हो। ऐसी लड़कियां अपनी मनमानी करती। माया तुम रिश्मा से इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? जिस तरह उसने हमारे घर में एडजस्ट किया, इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है। ये तो है, मैंने कई बार ये बदगुमानी खत्म करने की कोशिश की, मगर रिश्मा हर बार मुझे नई वजह दे देती है। अब क्या किया रिश्मा ने? आप जानते हैं कि आपकी बीवी कल शाम को कहाँ थी? अपनी दोस्त के घर थी। दोस्त का नाम मालूम है आपको? नहीं, मैंने पूछा नहीं। आपने पूछा नहीं और आपकी चहेती ने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। चले नाम मैं आपको बता देती हूँ, हमदान। हमदान से मिलने गई थी आपकी बीवी मेरे शौहर हमदान से रेस्टोरेंट में। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या जी? आप तो कह रहे थे कि रिश्मा जहाँ जाती है आपको बताकर जाती है, इस बारे में नहीं बताया आपको? तुमने खुद देखा दोनों को? मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मैं मिली भी थी रिश्मा से। भैया आपको जितनी चाहे मर्जी मोहब्बत हो जाए अपनी बीवी से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिश्मा ने हमदान से मोहब्बत की है और पुरानी मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती।